विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर आज से नामांकन प्रक्रिया में तेजी आ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के पौड़ी प्रत्याशी राजकुमार पोरी सहित आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी, बीजेपी यमकेश्वर प्रत्याशी रेणु बिष्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता कांति किशोर भट्ट, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी सहित आधे दर्जन लोगों ने अपना नामांकन पत्र जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर करवाया। नामांकन के उपरांत बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार पोरी ने कहा कि वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्नेह और प्यार उन्हें जनता द्वारा दिया जा रहा है, उससे साफ लगता है कि एक बार फिर से भारी मतों के अंतर से पौड़ी में भाजपा प्रत्याशी विजय होने जा रहे हैं और प्रदेश में मजबूत भाजपा की सरकार बनेगी। तो इस संबंध में मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज ही से तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि जब चुनाव होता है उसके दूसरे दिन से ही फिर अगले तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हम लोग घर घर जाकर, गांव गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाते रहते हैं और जनता के बीच में बराबर हमारा संवाद बना रहता है। ये हमारा विजय होने का आधार होता है। तो वही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने नामांकन पत्र भरवाने के बाद कहा कि वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विकास विरोधी नीतियों से लोग त्रस्त हो चुके हैं और बदलाव करने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से कोटद्वार सीट में भारी भरकम अंतर के साथ वे विजय होंगे और प्रदेश में मजबूत कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जनता का भरोसा है, जनता ने पूरा इस समय मन बनाया हुआ है और मैं समझता हूँ जिस ढंग से जनता ने स्वयं आकर कहा कि आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना होगा और जो प्रतिक्रियाएं इस समय तक देखी जा रही हैं उससे शत प्रतिशत उम्मीद है कि जनता की उम्मीदों पर हम जीतने के बाद खड़े उठने का प्रयास करेंगे। तो वहीं रेणु बिष्ट ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहती है कि उन्होंने उन पर विश्वास किया और साथ ही कहा कि सभी पार्टी एक है और सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहती है। हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, मगर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी 14 फरवरी को होने वाले मतदान में मतदाताओं को रिझाने में कामयाब हो पाई है। मैं तो सबसे पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, मगर ये सरासर गलत है कि पहले वालों की कोई कमियाँ रही होगी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ना कुछ अच्छे उनके लिए बढ़िया ही सोचा होगा तभी ये डिसीजन लिया है और हम सब एक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे बीच में कोई मतभेद है, सब पार्टी एक है और पार्टी सब मिलकर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ उभर रही है। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।